राजकुमार जी, अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, जी, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आज तक 70 साल के अंदर नहीं हुए हैं, उनके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री बन जाना ही किसी अनटचेबल लेडी के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होगा। 95 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उनको कहा गया कि ये मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का चमत्कार है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं, मतलब चमत्कार तो कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये वास्तव में लोकतंत्र की पराकाष्ठा होगी अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी अनटचेबल कम्युनिटी से, और अनटचेबल कम्युनिटी से भी महिला, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा शोषण इस देश के अंदर। अब आपका जो मेन सवाल है कि क्या हो सकता है, देखिए, कोई जैसे अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी की समस्या क्या है, उनकी समस्या ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है, वो कार्य नहीं कर सकते हैं, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो शासन प्रशासन है उनको हमेशा काटता है। यहाँ का शासन प्रशासन जो है उनकी योग्यता क्षमता को इस्तेमाल नहीं करने देता। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी को अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके इस देश का जो राष्ट्रीय निर्माण का आंदोलन है उसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जो दोस्ताना व्यवहार करे। अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा, अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं आपके लिए सुविधा हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए सुविधा हो, इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके लिए सुविधा हो, तो एक सबसे बड़ा बदलाव तो यही आएगा कि यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनका मनोबल जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। और मनोबल से ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती, अगर आपके अंदर मनोबल बढ़ गया तो आप दुनिया के ऊँची से ऊँची मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर महत्वपूर्ण होगी कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करते हैं तो उन्होंने आज तक अपना मैनिफेस्टो या चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। क्यों उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया? माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि संविधान का एक एक शब्द ही हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। So, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए जो पार्टी इतनी जबरदस्त तरीके से प्रतिबद्ध है कि वो उस संविधान को ही अपना चुनावी घोषणा पत्र मानती है, तो उनकी पार्टी का कोई अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री बनता है तो भारतीय संविधान निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएगा। और ऐसे प्रोविजन जो कि गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, जो अन्याय को समाप्त कर सकते हैं, अत्याचार को समाप्त कर सकते हैं, उसको उसके लिए जो है कुमारी मायावती का इस देश के लिए प्रधानमंत्री बनना निश्चित रूप से सुखद अनुभव होगा। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से, वो ये कि अभी तक ये समाज वंचित समाज रहा है और देश के जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी है उनकी नगण्य है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खासतौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, या प्राइवेट सेक्टर है, या और मीडिया है। अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधानों के तहत इन सब संस्थानों में SC ST OBC और माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आ सकेगा। एक जो बार बार कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज लीक हो जाती हैं, दूसरे लोग उसको फिर मिसयूज़ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुजन समाज की आकांक्षा है कि इस देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर मनुवादी लोगों ने कब्जा कर लिया है, और यहाँ पे प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हो, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, इस तरह की बहुजन बुद्धिजीवियों के विचार है, और मैं समझता हूँ कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनके सामने होगा, एक चुनौती के सामने होगी कि SC ST OBC को किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अवरुद्ध उत्पन्न ना हो और वो अपना विकास कर सकें। और बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है।